नमस्कार। चलिए अब आज हम आइसक्रीम बनाएंगे, पाइन एप्पल फ्लेवर बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम कस्टर्ड पाउडर से आज बनाएंगे आइसक्रीम। अब गर्मी आ गया तो चलिए बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ये मैंने हल्का गुनगुना दूध है, मैंने दूध ले लिया है और मैंने इसमें 2-4 चम्मच पानी ले लिया है ठंडा। और इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे 4 चम्मच। इस तरीके से बनाइएगा जैसे जैसे मैं टिप्स फॉलो करूँ, बिल्कुल मार्केट के जैसा फ्लेवर उभर के आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप मार्केट में जाते हैं ख़रीदने तो महंगी ही आता है आइसक्रीम, और पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं, लेकिन जो आप घर में बनाएंगे वो नेचुरल होगा और परफेक्ट होता है, साफ़ सुथरी भी होती है, उसका बात ही कुछ और रहता है घर का। तो मैं आइसक्रीम में तो ये सारा बैटर को मैंने घोल लिया है, ये देखिए अच्छे से कस्टर्ड पाउडर को मैंने घोल लिया ठंडा पानी में, अच्छी तरह से घोल इसका मिक्स कर देते जिससे गुठली ना रहे और मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। अब दूध में मैं इसमें डाल देती हूँ सारा और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे जिससे इसमें हल्का गुनगुना दूध है तो हो सकता है नीचे बर्तन में चिपक जाए, तो इसलिए हम लगातार इसको चलाते जा रहे हैं। अब इसको गैस पर हम चढ़ा लेते हैं और चलाएंगे गैस पर, नहीं तो ये गैस मैंने जला दिया है। और अब अभी तो मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा है, देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब लगातार चलाते रहेंगे गैस को, अब हम लो कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे पकाने में हमें लगा है 10 मिनट तक, मैं इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और गाढ़ा आपको पता नहीं लगा कि कैसे गाढ़ा हुआ, कैसे पता लगाएंगे गाढ़ा हो गया कि नहीं हुआ, कैसे पता लगेगा, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। तो ये अब इसमें हम चीनी डाल दे रही हूँ 1 कप भर के, आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना आप इसमें डाल सकते हैं। मैं अपने रिकॉर्डिंग डाला है और इसमें चीनी में डाल दिया है, इसको पका रही हूँ लगातार जिससे गाढ़ा बैटर हो जाए। ये देखिए कस्टर्ड पाउडर इजीली मिल जाता है, मार्केट में मिल जाता है, परचेस करिएगा, नहीं मिलता तो ऑनलाइन भी मंगा लीजिएगा कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर से ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, लेकिन आइसक्रीम आज मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए गाढ़ा बिल्कुल हो गया है, अब ठंडा होने के लिए मैं रखूँगी। अब कंटेनर में मैं इसमें डाल दिया है, ठंडा बिल्कुल हो जाए तभी डालिएगा, नहीं तो फ्रिज ख़राब हो जाएगा, गर्म चीज़ ऐसे भी नहीं डालना चाहिए। अब इस ढक्कन लगा के हम फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। फ्रिज में सेट हो गया बिल्कुल, देखिए गाढ़ा हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसको बिकॉज हम बीट कर लेंगे, इतना बीट करेंगे बिल्कुल स्मूथ हो जाए तब तक हम इसको बीट करेंगे, लगातार इसको बीट करते जाएंगे, हर एक जो दिन होते हैं हम बीट करते जाएंगे, इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, कंटेनर में इसको डाल दिया है, फिर साइड कर दिया है सर पहले वाले को। अब इसमें विप क्रीम मैंने लिया है, जो विप क्रीम आती है वो है, अगर आप विप क्रीम नहीं है तो विप क्रीम मलाई होता है उसको भी आप विप करके डाल सकते हैं। अभी इसमें डालते हैं कि गाढ़ा और बेटर हो जाए और टेस्टी हो जाए आइसक्रीम, इसलिए डाला जाता है। तो देखिए विप क्रीम हमारा फिरते फिरते ही अच्छा, देखिए इतना बिल्कुल बढ़िया अच्छे से विप फूटता है। अब इसमें सारा मैंने बैटर को डाल दिया है, जो मैंने कस्टर्ड पाउडर से मैंने पहले बनाया था डाल के सारे टाइम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम फ्लेवर डालते हैं, आप बटर स्कॉच, पाइन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। ये मैंने ये बाज़ार से मैंने परचेस किया था, ये देखिए ये बाज़ार से मैंने परचेस किया था, जो आप चीनी से बनाते हैं ना घर में, तो ये बाज़ार से मैंने परचेज कर लिया था। और ये इसके अंदर हम डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको, देखिए कितना गाढ़ा कितना बढ़िया इसका बैटर बनकर तैयार हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते इतना सुंदर इतना बढ़िया, बिल्कुल मार्केट की चीज़ आप यकीन भी नहीं कर सकते कितना अच्छा ये बनकर। तो ये सारे को मैंने बैटर से में डालकर और गार्निश हल्की टूटी फूटी में भी बना रखा है, मैंने डाल रखा है अपने वीडियो पे, आप बना कर स्टोर करके रख सकते हैं। अब गर्मी आ रहा है तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि टूटी फूटी कैसे बनाते हैं, मैं डाल भी रखी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसके ऊपर तो गार्निश कर दिया है, इसके ऊपर फॉइल पेपर हम से फॉइल पेपर से इसको कवर कर देंगे, ना तो इस नहीं करेंगे तो इसमें बर्फ़ जम जाएगा, फिर आइसक्रीम हमारा अच्छा जमकर तैयार नहीं होगा, इसके ऊपर बर्फ़ की जैसा लेयर आ जाता है, इसलिए कभी भी फॉइल पेपर लगा कर तब आप बैटर को जमा जो बचा हुआ था इस कंटेनर में मैं डालकर। तो ये देखिए सेट हो गया, मैंने
24 घंटे के लिए मैं छोड़ दिया था। अब देखिए इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, कितना सुंदर और कितना बढ़िया आइसक्रीम हमारा जमकर बिल्कुल मार्केट जैसे टेस्ट और बिल्कुल बढ़िया तरीके से जमकर ये तैयार हुआ है। मेरे पास आइसक्रीम वाले मोल्ड नहीं है निकालने वाला, मैं चम्मच से ही निकाल रही हूँ। कोई इसमें वो नहीं है कि वैसा ही निकले, आपकी मर्जी आप जैसा भी निकाल सके। तो ये देखिए आइसक्रीम हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इस गर्मी में अपने घर में बनाइए, अच्छा साफ़ सुथरे अपने बच्चों को खिलाइए और सुरक्षित रहिए, अपना सेहत बनाइए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास आएगा। और कोई भी वीडियो आप पक्का ध्यान से प्रॉपर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने बनाया। कई बार कमेंट में आया कि आपने क्या बनाया, मैंने ख़राब हो गया, तो ऐसे नहीं कि मैंने देखा हो गया, उसको ध्यान से गौर से देखिएगा उसके बाद बनाएंगे, परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये नहीं जल्दी देखिए आप बना नहीं, तो इसलिए आप अच्छे से देखिए और बनाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।